हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कट एंड स्टिचिंग स्टाइल्स। तो आज की वीडियो में हम अस्तर लगाना सीखने वाले हैं। अस्तर लाइनिंग लगाने का सही तरीका क्या है, इसके लिए देखिए मैंने ये कमीज और अस्तर के कपड़े को ऑलरेडी कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे और जो इसके बॉटम वाले साइड्स हैं, ये इसका नीचे वाला पार्ट है, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग ले ली है, इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे और कपड़े का जो उल्टी वाली साइड है उस तरफ आपको फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कट लगाया हुआ है, इसको हम एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार इस तरीके से, यानी कि दो बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फैब्रिक ले लिया है और ये इसका दामन वाला साइड है, तो यहाँ पर देखिए ये हमें सेम मैच करती हुई लेस लगानी है। तो इसको मैंने ऊपर से खोल लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग सूट था, तो इसको देखिए ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा, यानी कि आधे इंच का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए हमारा नेट का फैब्रिक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अगर आपका कोई नॉर्मल कॉटन का कपड़ा है तो आप पहले कपड़े को इस तरीके से ऊपर वाली साइड की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी लेस लगानी है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और देखिए ये पूरा फुल कराची सूट है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर सिलाई लगकर ये दोनों पार्ट्स इसमें जुड़े होते हैं। तो जब भी आप ऐसे कपड़े लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कितनी कच्ची सिलाई लगी हुई है। इसको हम इस तरीके से पहले यहाँ पर एक पक्की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड्स पर। ऐसे ही ये फैब्रिक लगा हुआ है कराची सूट में, इसी तरीके से दोनों साइड पर कलियां दी होती हैं, तो इसको सिलाई लगाकर आप पहले पक्का कर लीजिए, वरना ये सूट आपका बहुत जल्दी खुलने के चांसेस रहते हैं। तो ये पहले दोनों साइड की तरफ सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में हम नीचे वाली साइड की तरफ अपनी लेस को अटैच कर देंगे। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैंने ये कमीज़ और सूट कहाँ से लिया है, तो ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से लिया है। बहुत ही बेहतरीन और डिज़ाइनर सूट है, पाकिस्तानी सूट्स ऑफिशियल, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। बनने पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये सूट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं तो मैंने सोचा कि आपको एक बार बताती चलूँ। तो अब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा लेस थी उसको हमने कट कर दिया है। अब इस कपड़े को देखिए इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड करेंगे। ये जो आपके साइड्स हैं ये बिल्कुल मैच होने चाहिए और ये आपको इस तरीके से आपका सेंटर मिल जाएगा। तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर पर बिल्कुल हम निशान बना लेंगे एक। इस कपड़े पर निशान लगाने के बाद हम इसका अस्तर ले लेंगे और अस्तर पर भी आपको सेंटर पर निशान लगाना है। ये सेंटर का निशान हमने लगा लिया है, अब इसको हम खोल लेंगे। तो ये जो निशान हमें लगाना है वो हमें कपड़े की उल्टी वाली साइड की तरफ लगाना है। अब देखिए इसको हम मेन फैब्रिक ले लेंगे
और इसको उल्टा करके आपको इस तरीके से बिछा लेना है। इसके ऊपर अब हम लाइनिंग रखेंगे। तो लाइनिंग का जो सीधा वाला साइड है, ये लाइनिंग का सीधा वाला साइड है, तो ये कपड़े के इस तरफ रहेगा। ये देखें, इस तरीके से रखना है आपको। ये उल्टा साइड आपका ऊपर की तरफ रहेगा। तो सबसे पहले ऊपर से मिलाइए, और जो इसके तीरे हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले सिलाई लगानी है, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। देखिए, इसके तीरे पर हमने सिलाई लगा दी है, और इसी तरीके से आपको अपने बैक वाले पल्ले पर, बैक वाले पार्ट पर भी करना है। पहले आपको इसके बॉटम्स फोल्ड करने हैं, उसके बाद में तीरे पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, इसके बिल्कुल सेंटर में हमें सिलाई लगानी है। इस सिलाई को आप बड़ा टाका करके लगाएंगे। इस सिलाई को हम सबसे आखिरी में निकाल देते हैं, इसीलिए हम इसको बड़ा टाका करके लगाते हैं। ये सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सीधा मशीन से, डायरेक्ट मशीन से लगाने में परेशानी है, तो आप हाथ की सुई से भी, जो हमने निशान बनाए हैं, बिल्कुल मेन फैब्रिक को और अस्तर वाले कपड़े को मिला लीजिए, और सुई से भी टाके लगा सकते हैं। बट यहाँ पर हम बड़ा टाका करके सिलाई मशीन से डायरेक्टली यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। निशान लगाए हैं, बिल्कुल वहीं पर आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए इस कपड़े का और अस्तर वाले कपड़े का, तभी आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसको आप सीधी वाली साइड की तरफ से भी रखकर लगा सकते हैं, और पीछे वाली साइड की तरफ से भी रखकर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई वाला सूट है, इसलिए मैं आगे वाली साइड से रखकर सिलाई लगा रही हूँ। इस सिलाई को हम बड़ा टाका करके लगाएंगे। पूरे में देखिए, हमने ये सेंटर की सिलाई लगा ली है। अब हमें साइड्स की सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले जो आपका आर्मोल है, इस पर आपको सिलाई नहीं लगानी। इस वाले पार्ट पर जो हमारा गोलाई दिया होता है हमने, यहाँ पर आपको पहले सिलाई नहीं लगानी। सबसे पहले आपको देखिए, नीचे वाले पार्ट्स को इस तरीके से बराबर करेंगे, और बिल्कुल कपड़े को यहाँ से साफ करते हुए साइड साइड में हमें सिलाई लगानी है। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद अब ऐसे ही दूसरी वाली साइड की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरफ सिलाई लगाने के लिए हम कपड़े को इस तरीके से पलट लेंगे, बट कपड़े को आपको इस तरीके से साफ करते रहना है और सिलाई लगानी है। ये देखिए, दोनों साइड्स पर हमने सिलाई लगा ली है, और अब आपको आर्मोल वाली सिलाई लगानी। और यहां से आप देखेंगे तो यहां से देखिए, ये कपड़ा हमारा अस्तर वाला इतना ज्यादा एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये निकलना ही है, क्योंकि अगर आप चाहे कितने भी बड़े टेलर क्यों ना हो, मास्टर क्यों ना हो, इस तरीके से ये एक्स्ट्रा निकलता ही है। इसको हम बाद में कट करके हटा देते हैं। अगर आप पहले ही यहां से देखिए, इस तरीके से इसको मिला के सिल देते, तो आर्मोल पे हमारा झोल आता और बहुत ही गंदा लगता वो बनने के बाद। इसलिए हमेशा आपको यहाँ से सिलाई लगानी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आए, वहां पर आप इस तरीके से निकाल दीजिए। इस कपड़े को हम बाद में कट कर देंगे सिलाई करने के बाद। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये कपड़ा आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको बाहर की साइड की तरफ ही निकालते रहिए, और बिल्कुल मिलाते हुए सिलाई लगाइए। बीच में कोई भी झोल ना पड़े, इस चीज का आपको ध्यान। तो यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से कपड़े को साफ करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। दोनों आर्म होल पर ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे।
दोनों आर्म होल पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसको हम कट करेंगे। तो दोनों पार्ट्स को इस तरीके से मिला लीजिए, यानी कि बीच में से हमें फोल्ड करना है। बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है कपड़ा उसको हमें केवल कट करना है, ज्यादा कपड़े को आपको कट नहीं करना। तो ये देखिए अब बहुत ही क्लीन और बहुत ही साफ हमें ये अपने दोनों आर्म होल्स मिल गए हैं। और अगर आपका यहाँ से साइड से भी कपड़ा ज्यादा बाहर आता है तो इसको भी आप कट कर लीजिए। और इसी के साथ साथ देखिए हमारा अस्तर हमारे मेन फैब्रिक से लगकर स्टिच हो गया है और कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये देखिए आगे और पीछे दोनों साइड से बिल्कुल बराबर तरीके से ये हमारा लाइनिंग इसमें अच्छे से अटैच हो गया है। सो इसी तरीके से आपको अपने बैक वाले पल्ले को भी स्टिच कर लेना है। उसके बाद में जैसे नॉर्मली हम अपना नेक बनाते हैं और अपना सूट सिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसको पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए हमारी लेस भी बिल्कुल अच्छे सफाई से लग गई है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये स्टिचिंग का मेथड अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना अभी कहीं मत जाइएगा। सो जल्द ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।